सांचौर में आज स्थापना दिवस था, नए जिला बना है सांचौर। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री पुखराज जी पारसर हैं। पुखराज जी, सांचौर आज नया जिला बना। सांचौर जिले के निवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के इतिहास को बदलने का काम किया है, भूगोल को बदलने का काम किया है, जिससे आप समझते हैं कि जिस तरह की दूरियां कम की है उससे जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं आम नागरिक को मिलेगी और उससे आम नागरिक का भला होगा, विकास के नए नए आयाम स्थापित होंगे, रोजगार उत्पन्न होगा, उद्योग धंधे लगेंगे, सारी चीज़ें मतलब एक तरह से जनता की हित के लिए की गई। जिस तरह से 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएँ चलाई थी उसमें जिन योजनाओं का लाभ, इतने विकास कार्य मेरे ख्याल से इतिहास में कभी भी नहीं हुए और उसका लाभ मिलेगा। सर, जालौर जिले से अलग सांचौर जिला बना है, बीनमाल भी लगातार मांग कर रहा था जिला बनाने की, अब उनकी मांगों को लेकर किस तरह से सरकार मंथन करेगी, विचार करेगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने और अभी राजस्व मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभी भी ये काम बंद नहीं हुआ है। अगर तकनीकी आधार पर कोई अगर अपनी डिमांड जिन्होंने भी की है और वो अगर योग्य है, वो बिल्कुल एलिजिबल है, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी रास्ते खुले हुए हैं, आगे भी उस पर विचार किया जाएगा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो अपना संबोधन था, उन्होंने गजेंद्र सिंह को लेकर भी कई सारी बात कही और कहा कि मैं मोदी जी से भी बड़ा फकीर हूँ, क्या कहूँगी? फकीर है, बिल्कुल है। जिस तरह से वो बिल्कुल सादा जीवन, गांधीवादी विचारों के आदमी हैं, आम आदमी तक जो ढाणी में बैठा हुआ आदमी है, जो गांव में बैठा हुआ आदमी है, उसकी सोच को सरकार में बैठकर लागू करने का काम करते हैं, उसका नाम अशोक गहलोत है। सर, सांचौर जब जिला बना था, इसकी घोषणा हुई थी, तब इस जिले के निवासियों की एक उम्मीद थी कि अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये अलग मैटर है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो मैटर है, मेरे ख्याल से अभी मैं इसके लिए निवेदन करूँगा यहाँ के सांसद, जिस तरह से बेरुखी आज के कार्यक्रम की उन्होंने आपने देखा होगा, यहाँ उपस्थित नहीं हुए, ऐसे कार्यक्रमों में उनको उपस्थित होना चाहिए। विकास के जो काम है उससे भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। 4.5 सालों में आपने देखा होगा इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया, एक ऐसे जुमलों की तरह बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि वो ऐसे कार्यक्रमों में कम से कम उपस्थित हो और जनता का भला हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी आज जालौर जिले के दौरे पर हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, चुनाव को लेकर अभी से किस तरह से तैयारी की जाए वो बैठक कर रहे हैं। देखिए, ये एक अलग कार्यक्रम था, स्थापना दिवस का कार्यक्रम इतिहास में पहली बार एक बार होता है और अगर इसमें उपस्थित नहीं है, ये बैठक तो 2 घंटे बाद भी कर सकते थे, 2 घंटे बाद भी चले जा सकते क्योंकि शाम तक रहेंगे वो। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस कार्यक्रम में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उपस्थित होते तो मैं समझता हूँ कि जनता का भला होता और एक अच्छा मैसेज आता। तो ये थे राज्य मंत्री पुखराज पारसर, जिन्होंने कहा कि सांचौर नया जिला बना तो सांचौर में कई ऐतिहासिक कार्य होंगे। सहयोगी पुखराज लोल के साथ रविंद्र सिंह, सांचौर।